गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एड्रेसिंग मोड। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड एंड 10 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, ये सब हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ही, और आज इस टॉपिक को बहुत ईजी मैनर में हम सीखेंगे। और स्टूडेंट्स को जनरली इस टॉपिक को लेकर बहुत जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वो आज इस टॉपिक को समझने के बाद वो सारे कन्फ्यूजन फिनिश होने वाले हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं बहुत ही इजी मैनर में। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हर टॉपिक बहुत ही इजी करके आपके लिए लाया जाता है। वेलकम टू एनपी टेक्स्टर कंप्यूटर क्लासेस। लेट्स सी एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हम यूज करेंगे, दैट इज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। अब एक इंस्ट्रक्शन जिसका फॉर्मेट रहता है ये, दैट इज ओपीकोड एंड ऑपरेंड। ओपी कोड होता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और किस ऑपरेंड होता है डेटा, किस डेटा पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये होता है हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर जनरली हम ऑपरेंड की बात कर तो रहे हैं, पर डेटा इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर होता है एड्रेस। ठीक है, उस डेटा का एड्रेस कि वो डेटा किस लोकेशन पर है, किस एड्रेस पे है। यानी हम डेटा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे एड्रेस की। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है इसी को कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। दिस इज इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, तो हम इफेक्टिव एड्रेस पर जाएंगे और वहाँ से डेटा को उठाएंगे। तो ये किस लोकेशन पर स्टोर है, ये जो डेटा है ये किस लोकेशन पर स्टोर है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड के अंदर यही होता है। ये एड्रेसिंग मोड जो होते हैं, इट कैन बी दीज कैन बी डिफाइंड एज ए वे फॉर इंटरप्रेटेशन ऑफ एड्रेस फील्ड। ये जो एड्रेस है यहाँ पे एक्चुअली ओपी कोड, जो अगर हम इस इंस्ट्रक्शंस को लें तो यहाँ पे एक्चुअली होता है ओपी कोड एंड एड्रेस। ठीक है, एड्रेस फील्ड। एड्रेसिंग मोड कैन बी डिफाइंड एज ए वे फॉर इंटरप्रेटेशन ऑफ एड्रेस फील्ड बिफोर रेफरिंग द एक्चुअल ऑपरेंड। मतलब जो हमारा ऑपरेंड है यहाँ पे, जो एक्चुअल ऑपरेंड है उसी का एड्रेस की इंटरप्रेटेशन के लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड। यानी उस डेटा का, जो डेटा है वो किस लोकेशन पर स्टोर है, इसके लिए हमें हेल्प देते हैं एड्रेसिंग मोड, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो डेटा है उसका एड्रेस क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज द मेथड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड्स हैं, यहाँ पे ऑपरेंड डायरेक्टली डेटा नहीं होता, लेकिन कुछ एक केसेज में यहाँ पर डेटा भी होता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेंड है जिसके हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर वो जो ऑपरेंड है उसको, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का मेथड रहता है एड्रेसिंग मोड। तो एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो ऑपरेंड है उनके इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं हमारे एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड को। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड की जरूरत हमें क्यों होती है, सबसे पहला बेनिफिट है इसका टू रेड्यूस एड्रेस फील्ड बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारे इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर एड्रेस फील्ड है उसकी बिट्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओपी कोड होता है और यहाँ पे एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है इसकी बिट्स को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड। तो ये कैसे कैसे होता है, सपोज हमारी मेमोरी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 1 मिलियन वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, 1 मिलियन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारी है मेमोरी और इसके अंदर है सपोज 1 मिलियन वर्ड्स। तो इसके अंदर जो भी हमारा डेटा किस एड्रेस पर पड़ा है, ठीक है, तो वो जो हर एड्रेस है उसकी जो साइज रहेगी 20 बिट्स की, 20 बिट्स हर एक एड्रेस की साइज रहेगी इस केस में। तो ये जो 20 बिट्स हैं, हमारा डेटा जहाँ भी जिस भी एड्रेस पर स्टोर है, ठीक है, तो वो 20 बिट्स हमें यहाँ रखने होते हैं, ये 20 बिट्स। ठीक है, तो 20 बिट्स तो ये हुए, और उसके अलावा ओपी कोड की बिट्स, इससे हमारी इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर हमने इंस्ट्रक्शंस की बिट्स को कम करना है तो हमारा रजिस्टर्स भी होते हैं। हमारा जो डेटा है उसका जो एड्रेस है वो डेटा कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है, वो मेमोरी में स्टोर हो सकता है या फिर रजिस्टर्स में स्टोर हो सकता है।
ठीक है। तो अगर हम मेमोरी की हमने बात कर ली, अगर रजिस्टर की अगर हम बात करें, सपोज हमारे रजिस्टर्स हमारे लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। सपोज हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो हैं सपोज 15, 0 से 15, तो उस केस में हमारा जो एड्रेस रहेगा वो हुआ 4 बिट्स। तो हमारा डाटा कहाँ, अगर हम उस डेटा को रजिस्टर में स्टोर करते हैं, तो वो डेटा कहाँ किस एड्रेस पे स्टोर होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय 4 बिट्स। यहाँ 4 बिट्स रहेंगे। तो अगर हम उस डाटा को रजिस्टर में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे हमारी 4 बिट्स जो हैं रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये जो है, अगर हमने इंस्ट्रक्शन की बिट्स को कम करना है, तो हम इस डेटा को रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो इससे 4 बिट्स होंगी और ओपी कोड की बिट्स, तो इससे इंस्ट्रक्शंस की जो साइज है, बिट्स हैं, वो कम हो गई है। तो इस तरीके से हम बिट्स को कम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो टू रिड्यूस एड्रेस फील्ड बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इसी तरीके से एड्रेस फील्ड की बिट्स को कम करने के लिए हम यूज कर लेते हैं एड्रेसिंग मोड को। इट प्रोवाइड्स सिंपलिसिटी इन प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग में सिंपलिसिटी भी हमें ये देता है। प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग वर्सेटैलिटी, प्रोग्रामिंग के अंदर वर्सेटैलिटी आती है, यानी बहुमुखी, यानी वैरायटी आती है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने का जो है इसमें तरीका आता है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट कोड फॉर प्रोग्राम, और प्रोग्राम के लिए हम जो कोड लिखते हैं उसके लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, तो देर आर 10 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स रहती हैं ये, इनके बारे में अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इकट्ठे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 10 टाइप्स रहती हैं। इम्प्लाइड मोड, ठीक है, इसको इम्प्लिसिट मोड भी बोला जाता है, इम्प्लिसिट मोड। नेक्स्ट इज इमीडिएट मोड, ठीक है। तो इम्प्लिसिट मोड इसको बोलते हैं क्यों, इनका नाम याद कराने के लिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा डिक्टेट कर रही हूँ अभी। इम्प्लिसिट दैट इज अंतर्निहित, मतलब जहां पर वैल्यू जो है उसी के अंदर मौजूद है, दैट इज इम्प्लाइड मोड या इम्प्लिसिट मोड। इमीडिएट मोड, जहां पर वैल्यू इमीडिएटली उसके उसके साथ ही में ही है, ठीक है, इमीडिएट उसके उसी के अंदर जो है उसी के साथ में लिखी हुई है, इमीडिएटली उसके बाद में लिखी हुई है वैल्यू, अगर तो कहेंगे इमीडिएट मोड। डायरेक्ट एड्रेस मोड, तो हमारे मोड रहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगर हमें वैल्यू डायरेक्ट मिलती है तो डायरेक्ट बोल देते हैं एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट अगर वैल्यू मिलती है कि मतलब हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस पर जाना पड़ रहा है, उस एड्रेस से हम एक और एड्रेस पर जा रहे हैं और वहां जाकर के हमें वैल्यू मिल रही है अगर, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह ही होते हैं, रजिस्टर डायरेक्ट। रजिस्टर मोड को रजिस्टर डायरेक्ट मोड भी बोलते हैं, तो रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट मोड। रिलेटिव एड्रेस मोड, इंडेक्स्ड एड्रेस मोड और बेस रजिस्टर एड्रेस मोड, ये रहते हैं हमारे मोड्स। अब हम इनको देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज इम्प्लाइड मोड, इसको जो है बोला जाता है इम्प्लिसिट मोड भी, ठीक है। और इम्प्लिसिट का मतलब है अंतर्निहित, मतलब जिसके अंदर ही वैल्यू जो है स्पेसिफाइड है। तो हमारी इंस्ट्रक्शन जिसके बारे जो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ओपी कोड और एड्रेस। तो इसके अंदर इन दिस मोड इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द ऑपरेंड इम्प्लिसिटली, इसके अंदर ऑपरेंड जो होता है ना, जो ये जो डेटा होता है ये वाला, ये यहाँ पे एक्चुअली हम डेटा रखते हैं, ऑपरेंड रखते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिटली इसी इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ एड्रेस जो है यहाँ पे स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ओपी कोड के अंदर ही हमारा जो है ऑपरेंड रहता है, ठीक है। तो इसको हम मेंशन ही नहीं करते इसके अंदर। द एड्रेस फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, ये वाला जो फील्ड है इसकी जरूरत ही नहीं होती फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज एड्रेस इज इम्प्लाइड इन ओपी कोड इटसेल्फ। इस ओपी कोड के अंदर ही हमारा एड्रेस जो है इम्प्लाइड रहता है, यानी इसके अंदर ही मौजूद रहता है। इसके एग्जांपल है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज इम्प्लाइड मोड। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, तो जैसे कि स्टैक, और सपोज हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर है, तो स्टैक के अंदर कैसे होता है मैनेजमेंट, इस तरीके से। तो स्टैक के अंदर जो हमारा टॉप है, टॉप है वहीं पर हमें हमें पता है कि जो जो स्टैक की अगर हम बात कर रहे हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे जीरो एड्रेस कहाँ होगा, टॉप पे होगा, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम जो है टॉप टॉप की बात कर रहे हैं, यानी टॉप इस बात के अंदर ही जो है मौजूद है।
जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज इम्प्लाइड मोड, तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये इम्प्लाइड मोड को ही यूज़ करती हैं। ठीक है, जैसे ही जीरो इंस्ट्रक्शन की बात की जीरो एड्रेस की, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि टॉप की बात करें, टॉप ऑफ द स्टैक की बात हो रही है। ठीक है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इसके ये हैं एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन विच मेक्स यूज ऑफ एक्यूमुलेटर आर, जहाँ हम एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं वहाँ भी इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी एल ए, सी एल ए का मतलब है क्लियर एक्यूमुलेटर, यानी सी एल ए, इसमें हमने सिंपल ये इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ पर हमने एड्रेस नहीं दिया। ठीक है, तो सी एल ए का मतलब है क्लियर एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्लियर कर दो। इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे सी एम ए, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, सी एम ए कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। तो इसमें हमने एड्रेस फील्ड दिया ही नहीं, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही जो है हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, तो ए का मतलब हम एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन और एक्यूमुलेटर्स वाले। नेक्स्ट इज इमीडिएट मोड। इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाइज द ऑपरेंड रादर देन द एड्रेस। अभी हमने बात की थी कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ओपी कोड होता है और डेटा की बजाय एड्रेस होता है, हमने अभी बात की थी। लेकिन कुछ केसेज में यहाँ पे डेटा की भी बात होती है, यानी ऑपरेंड की बात होती है, और वो कुछ केसेज है इमीडिएट मोड के अंदर ही, यानी इमीडिएट मोड के अंदर हम जो है ऑपरेंड की ही बात करते हैं, यानी इमीडिएटली इसी के अंदर ऑपरेंड जो है हमारा लिखा होता है। जैसे कुछ केसेज का मतलब जैसे प्रोग्राम में हम वेरिएबल की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। जैसे हम कांस्टेंट की बात अगर करें, जैसे हमने पाई की वैल्यू हमने लिख दी 3.14, तो इस 3.14 को तो हम डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं, यानी ऑपरेंड, यानी यहाँ हम डेटा डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेकिन वेरिएबल की बात करें, जैसे a इक्वल टू बी प्लस सी, मैंने वेरिएबल की बात की, तो यहाँ a को मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि a की वैल्यू मुझे तब पता चलेगी जब b प्लस सी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी b और c को जब ऐड किया जाएगा, यानी ये वाली इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी तब a की वैल्यू जो है वो डिसाइड होगी। तो यानी यहाँ मैं a को डायरेक्ट नहीं दे सकती, a के एड्रेस को यहाँ मैं दूंगी। ठीक है, यानी पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तब a की वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी। तो यानी वेरिएबल का जब केस होता है, या फिर बहुत सारे केसेज लाइक स्कैनफ के अंदर जब हम वैल्यू मांगते हैं यूजर से, तो वो रन टाइम पे वैल्यू जो है हमें देता है। वेरिएबल की वैल्यू भी रन टाइम पे डिसाइड होती हैं, तो ऐसी वैल्यू जो रन टाइम पे डिसाइड हो रही है उनको पहले से नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे डेटा इन वेरिएबल के केस में, इन केसेज में नहीं दिया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टेंट के केस में हमारी वैल्यू फिक्स रहती है, तो उस केस में हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं। तो ये कुछ केस होते हैं, और इमीडिएट मोड ही वो कुछ केसेज में आने वाली मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेटा दिया जाता है इमीडिएट मोड के अंदर। इमीडिएट मोड में डायरेक्ट डेटा आपको मिलेगा इमीडिएटली इसी इंस्ट्रक्शन के इमीडिएट बाद, मतलब इसी इंस्ट्रक्शन के इमीडिएट अंदर जो है हमें डेटा मिल जाता है। इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाइज द ऑपरेंड, तो इसके अंदर ऑपरेंड ही होता है रादर देन द एड्रेस। यहाँ पे हम एड्रेस की बात नहीं करते, इसमें ऑपरेंड ही होता है इस केस में। इन दिस मोड इंस्ट्रक्शन हैज द ऑपरेंड्स, तो इसके अंदर ऑपरेंड्स होते हैं ये वाले। एड्रेस फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय द ऑपरेंड फील्ड, यानी एड्रेस नहीं होता इसमें एड्रेस नहीं होता, ऑपरेंड ही होता है। ठीक है, जिसको हमने रिप्लेस किया था। इट इज यूज टू इनिशलाइज रजिस्टर टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, और इसमें होता क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज चली जाती हैं, जैसे कि ये जो भी हमने दी कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इट इज सुटेबल फॉर सच इंस्ट्रक्शन वेयर ऑपरेंड इज नॉट स्टोर्ड इन एनी रजिस्टर और मेमरी लोकेशन, यानी हम इसका जो एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी रजिस्टर पे नहीं जाएंगे, किसी मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एड्रेस यानी वो डेटा या तो हमारा रजिस्टर में स्टोर होता है या मेमोरी में स्टोर होता है, तो वहाँ हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि डेटा हमारा डायरेक्टली इमीडिएटली यहीं मिल रहा है। ठीक है, इमीडिएट हमें डेटा यहीं मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इमीडिएट मोड। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो भी सेव होगा, क्योंकि हमें जाने की जरूरत ही नहीं होगी एड्रेस के लिए कहीं और सर्च करने के लिए, डेटा यहीं है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेमोरी. तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेस होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे ओपी कोड और यहाँ पे होगा हमारा एड्रेस, यानी ये इफेक्टिव एड्रेस होगा. ठीक है, तो इस एड्रेस पर हम जाएंगे तो हमें जो है वो जिस जो भी हमारा एड्रेस होगा उस एड्रेस पर हम जाएंगे मेमोरी के अंदर. जैसे ये है हमारी मेमोरी, ठीक है, तो जो भी हमारा एड्रेस होगा उस एड्रेस पर हम जाएंगे और उस एड्रेस पर हमारा ऑपरेंड हमें मिल जाएगा, हमारा डेटा हमें मिल जाएगा. तो इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस. ठीक है, तो इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेमोरी. मेमोरी ऑपरेंड का जो एड्रेस होता है वो उसकी बात हम करते हैं. सो इट इज सुटेबल फॉर सच इंस्ट्रक्शन वेयर ऑपरेंड इज इन ए मेमोरी लोकेशन. जब हमारा ऑपरेंड हमारी मेमोरी के अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, तो हम जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं. ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन जहाँ पे ऑपरेंड हमारा मेमोरी के अंदर होता है तो हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं. इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो इफेक्टिव एड्रेस क्या है, ये एड्रेस क्या है, ये इफेक्टिव एड्रेस की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस जहाँ पर हम जाएँ तो हमें ऑपरेंड मिल जाए हमारा. द मोड बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैज़ वैल्यू जीरो फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए हम है ना मोड बिट को यूज़ करते हैं. ये हमारी स्टार्टिंग में होती है ऐसे, तो ये हमारी ज़ीरो होती है. ठीक है, ये जैसे कि होती है ज़ीरो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो एड और हमने किया 200, ये इंस्ट्रक्शन दी, तो ये तो है हमारी मोड बिट और ये ज़ीरो होती है. और ज़ीरो का मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं. डायरेक्ट एड्रेसिंग में मोड बिट की वैल्यू रहती है ज़ीरो. ठीक है, और ऐड ऐड किया हमने क्या 200. अब 200 मिलते ही हम क्या करेगा, ये क्या करेगा कि 200 जो हमारी मेमोरी है, जो ये वाली मेमोरी, इसके अंदर 200 पे जाएगा. ये 200 के ऊपर हमारा कोई ना कोई ऑपरेंड रखा होगा. ठीक है, जो भी हमारा ऑपरेंड रखा है, जैसे ये 200 पे जाएगा इस एड्रेस पे, इस पे कोई ना कोई ऑपरेंड होगा. ठीक है, और वो जो ऑपरेंड है, जो वैल्यू है, उसको ऐड कर दिया जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर. जैसे एक्यूमुलेटर के अंदर सपोज यहाँ पे है 10, तो ए सी के अंदर जो है 10 ऐड कर दिया जाएगा. इस पे 10 वैल्यू पड़ी है तो एक्यूमुलेटर में 10 को ऐड करके एक्यूमुलेटर को दे दिया जाएगा. ठीक है, तो अभी 200 था ना यहाँ पे, तो 200 पे क्या पड़ा है 10, तो 10 को ऐड कर दिया. ठीक है, दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ये ए सी प्लस 200 की बात करेंगे हम. ठीक है, ए सी 200 पर जो भी कुछ पड़ा है वो वैल्यू हम ऐड कर देंगे ए सी के अंदर. नाउ कम ऑन नेक्स्ट मोड, दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में तो हम एड्रेस पर गए थे, वहां पर डेटा था, पर इनडायरेक्ट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ एड्रेस होगा. एड्रेस ऑफ एड्रेस यानी हम क्या करेंगे, जो भी हमें एड्रेस दिया जाएगा, जैसे 200 था तो हम 200 पे जाएंगे और 200 पे क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी 200 पे, वो वैल्यू एक्चुअल में एक और एड्रेस होगी, जैसे 100. ठीक है, तो हम दोबारा से 100 पे जाएंगे और उस 100 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, ये है हमारा ऑपरेंड, ये होगा हमारा ऑपरेंड, मतलब एड्रेस ऑफ एड्रेस होगा. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि जो भी हम एड्रेस पर जाएंगे उस पर अगेन एक और एड्रेस होगा, और उस एड्रेस पर जब हम जाएंगे तो हमारा डेटा फिर वहां होगा. इन दिस मोड एड्रेस फील्ड कंटेन्स दैट एड्रेस वेयर द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्टोर. मतलब एड्रेस का एड्रेस यहाँ पे रहता है. सो द एड्रेस फील्ड पॉइंट्स टू एड्रेस वेयर इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर. मतलब इसमें जो ये जो एड्रेस है, ये फिर से एक और एड्रेस को बताएगा, और वो वाला जो एड्रेस है वो होगा इफेक्टिव एड्रेस. इफेक्टिव एड्रेस वो होता है जहाँ पर हमारा ऑपरेंड पड़ा होता है. तो ये जो है यहाँ इफेक्टिव एड्रेस की बात कर रहे हैं, करेगा. ठीक है, फिर हम इफेक्टिव एड्रेस पे आएंगे और वहाँ पे हमारा ऑपरेंड हमें मिल जाएगा. कंट्रोल फैचेज द एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस मेमोरी अगेन टू रीड द इफेक्टिव एड्रेस. तो इफेक्टिव एड्रेस को रीड करने के लिए दोबारा से वो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट को जो है
फिर से रीड करेगा, फिर से अगेन मेमोरी में जाएगा और वहाँ उसको इफेक्टिव एड्रेस उसको मिल जाएगा। यहाँ पे जो मोड बिट रहती है वो वन वैल्यू कंटेन करती है फॉर इनडायरेक्ट। कैसे? इसमें ना मोड वैल्यू भी रहती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो मोड वैल्यू यहाँ पे वन दिखाई जाती है और वन का मतलब होता है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड की बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा वन एड 300, तो इसका मतलब क्या है कि वन का मतलब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वन क्या है, ये है मोड बिट, ठीक है। या ये अगर जीरो होती है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं, वन होती है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, बात ऐड कर रहे हैं, ऐड करना है हमने 300 को, ठीक है। तो 300 मिलते ही हम क्या करेंगे, 300 पे जाएंगे मेमोरी के अंदर, 300 पे, ठीक है। तो ये 300 पे हमारा डेटा 300 पे जाएंगे, तो 300 पे क्या होगा, फिर से जो है एक और एड्रेस मेंशन होगा। अब हम उस एड्रेस पे अगेन जाएंगे और ये होगा हमारा इफेक्टिव एड्रेस, जहाँ पे हमारा एक्चुअली ऑपरेंड पड़ा है जो हमें चाहिए, यहाँ पे हमारा ऑपरेंड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसके उसके अंदर हम जो है किसको ऐड करेंगे, 700 वाले कंटेंट को, 700 पे जो कंटेंट पड़ा है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। कंटेंट ऑन 700, ठीक। दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ वी कम ऑन रजिस्टर मोड। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की। तो ये कैसे लिखा हुआ, जैसे कि ओपी कोड और आर, आर दिखाएंगे आप, ठीक है। तो आर पे हम जो है चले जाएंगे डायरेक्ट। इन दिस मोड एड्रेस फील्ड पॉइंट्स टू प्रोसेसर रजिस्टर, यानी एड्रेस फील्ड हमें आर के बारे में बताएगा, रजिस्टर के बारे में। सो इट इज सुटेबल फॉर सच इंस्ट्रक्शन वेयर ऑपरेंड इज इन ए प्रोसेसर रजिस्टर। तो हमारा ऑपरेंड यहाँ मिलेगा आर के अंदर। सो ऑपरेंड रिसाइड्स इन रजिस्टर्स रादर देन इन मेमोरी। अब ये जो ऑपरेंड है हमारा, ये हमने बात की थी ना कि डेटा हमारा या तो मेमोरी में होगा या रजिस्टर्स में होगा, जो हमारा डेटा रजिस्टर्स में होगा, ठीक है। डेटा दो जगह ही हमारा मिलेगा, मेमोरी में या रजिस्टर्स में। तो यहाँ हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, डेटा हमारा आर के अंदर होगा, रजिस्टर के अंदर होगा, मेमोरी के अंदर नहीं होगा। इन दिस एड्रेस ऑफ रजिस्टर इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। सिंपली बस इसमें एड्रेस रहेगा रजिस्टर का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे हैं ओपी कोड आर, तो ये आर जो है मेमोरी में मिलेगा हमें, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये वाला आर कहीं भी हो सकता है हमारी मेमोरी के अंदर। तो मतलब जैसे यहाँ पे हम इस आर पे हमारा पड़ा होगा ऑपरेंड, ठीक है। तो ये एड्रेस है, तो इट मीन्स रजिस्टर के अंदर हमारा एड्रेस होगा ये, दिस वन इज रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर के अंदर हमारा ऑपरेंड रहेगा इस एड्रेस पे, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मूव आर टू, तो इट मीन्स क्या है कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसके अंदर हम मूव कर रहे हैं आर टू को, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल एस यू वी सब्ट्रैक्ट किया हमने आर थ्री को, तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर जो है उसके अंदर हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर में आर थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और जो रिजल्ट आया उसको भेज दिया ए सी के पास ही, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे तो हम एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्यूमुलेटर के अंदर ये काम कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अब ये हमारे पिछले वाले इनडायरेक्ट मोड की तरह ही है, यहाँ हम एड्रेस ऑफ एड्रेस की बात करेंगे और रजिस्टर की बात होगी, ठीक है। इस बार हम मेमोरी की बात नहीं कर रहे, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, यानी रजिस्टर में जो हमारा एड्रेस होगा उस पे हम जाएंगे तो वहाँ पे अगेन एक और एड्रेस मिलेगा और वहाँ उस एड्रेस पे जाने के बाद हमारा जो है डेटा मिल जाएगा हमें। इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई ए रजिस्टर टी, वेयर टी इज दैट रजिस्टर विच प्रोवाइड्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेमरी, ठीक है। तो हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है ओपी कोड, यहाँ पे होगा आर, और जब हम आर पे जाएंगे मेमोरी के अंदर, आर पे जाएंगे, जैसे ये है हमारा, यहाँ पे हमारा अभी इस आर पे हमें क्या मिलेगा, ई ए इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, ठीक है। फिर हम उस इफेक्टिव एड्रेस पे जाएंगे रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, इस इफेक्टिव एड्रेस पे, और यहाँ पे होगा हमारा ऑपरेंड, मतलब एड्रेस ऑफ एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आर पे जाएंगे, यहाँ पे एक और एड्रेस मिलेगा, और फिर उस एड्रेस पे जाएंगे जो कि होगा इफेक्टिव एड्रेस, यानी यहाँ पे एक्चुअली हमारा ऑपरेंड होगा, ठीक है। सो इट इज सुटेबल फॉर सच इंस्ट्रक्शंस वेयर ऑपरेंड्स एड्रेस इज इन ए प्रोसेसर रजिस्टर, तो हमारे ऑपरेंड का एड्रेस होगा यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर, ठीक है, ऑपरेंड नहीं होगा उसका एड्रेस, ठीक है। हैंस इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है एज इट हैज़ टू स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली, यहाँ पे हम कंटेंट नहीं दे रहे उसका एड्रेस दे रहे हैं, इसीलिए हमारी यहाँ पे लेस नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रही है, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम एड्रेस देते हैं डायरेक्ट डेटा देने के बजाय इसके अंदर, तो लेस नंबर ऑफ बिट्स हमारी यूज होती हैं इंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट इज ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड, तो इट इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इन दिस मोड एड्रेस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय वन, तो इस मोड में हमारा जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा एक से। इन दिस कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स आर इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट होगा ऑटोमेटिकली, और इसमें ऑटो डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट होगा बिफोर और आफ्टर यूजिंग इट्स कंटेंट्स फॉर एक्सेसिंग मेमोरी, ऑटोमेटिकली जो है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहेगा। सो दिस मोड इज सुटेबल वेयर रजिस्टर्स कंटेंट पॉइंट्स टू टेबल ऑफ डेटा इन मेमोरी एंड इट इज नेसेसरी टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द रजिस्टर आफ्टर एवरी एक्सेस, दिस कैन बी डन ऑटोमेटिकली इन सम कंप्यूटर, तो हर एक एक्सेस के बाद एक इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। जैसे लूप्स लेते हैं ना, जैसे 4i = 1 to 10 ऐसे लिया हमने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और हमने यहाँ पे अंदर प्रिंट करा दिया हेलो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, i जो है प्लस प्लस रहेगा, i प्लस प्लस, ठीक है, तो हमारा जो ये प्रिंट होगा हेलो, ठीक है, 1 से 10 बार तक, और वैल्यू जो है एक 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 इंक्रीमेंट होती जाएगी आई प्लस प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, अगर आई माइनस माइनस भी हो सकता था जो कि वैल्यू को ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट करता, ठीक है। अगर केस होता 4i = 10 to 1 तो यहाँ पे आई माइनस माइनस का केस रहता, यानी ऑटो डिक्रीमेंट होता, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और ये लूप्स का केस ऑटोमेटिकली इन इस केस में हम यूज कर रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लें तो पुश ऑपरेशन इन स्टैक, स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन करना या पॉप ऑपरेशन करना, पुश ऑपरेशन से क्या होगा, द एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय वन, पॉप में क्या होगा, द एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड बाय वन, यानी इफ ए इक्वल टू, जैसे अगर ए के अंदर 45H है तो अगली बार ए के अंदर 44H होगा नेक्स्ट, ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली एक को इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है, मतलब पुश का केस है तो ये 46H कर देगा, और पॉप का केस है तो नेक्स्ट ए में 44H हो जाएगा, ठीक है, ये पॉप का केस हो गया, ये पुश का केस हो गया, तो इस तरीके से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहेगा हमारे वैल्यूज के अंदर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एड्रेस मोड, इट इज आल्सो कॉल्ड पीसी एड्रेसिंग, प्रोग्राम काउंटर एड्रेसिंग भी बोलते हैं, और इसमें सिंपली होता क्या है, जो
पीसी रजिस्टर के कंटेंट है उसमें हम एड्रेस फील्ड के कंटेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। पीसी रजिस्टर का जो भी कंटेंट होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है हमारे एड्रेस फील्ड कंटेंट को, तो इसको पीसी एड्रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जो कि नेक्स्ट वैल्यू को लेता है, इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो ये भी लेस नंबर ऑफ बिट्स लेता है। सपोज प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारी वैल्यू है 185 और एड्रेस पार्ट के अंदर वैल्यू है 20, तो ये उन दोनों को ऐड कर देता है इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है, पीसी और एड्रेस फील्ड इन दोनों के कंटेंट को जो है ऐड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने लिखा ऐड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऐड स्टार प्लस 100, तो 100 पे इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट है, मतलब ये है एड्रेस फील्ड, ये वाला एड्रेस फील्ड, इस कंटेंट पे 100 पे जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को ऐड कर दिया जाएगा स्टार में, और स्टार यहाँ पे शो कर रहा है प्रोग्राम काउंटर को। तो इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर इसके कंटेंट में ऐड कर दिया जाएगा 100 के कंटेंट को, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं ऐड डॉलर प्लस 100, तो इसमें भी 100 का कंटेंट, 100 के एड्रेस पर जो कंटेंट होता है उसमें डॉलर जो कि प्रोग्राम काउंटर को, यानी यहाँ पे जो स्टार है और ये डॉलर है, ये प्रोग्राम काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स कंटेंट ऑफ पीसी, तो यानी यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, उनके अंदर जो भी कंटेंट है उस मतलब वो जो कंटेंट है उसमें हम 100 वाले कंटेंट को ऐड कर देंगे। जैसे 100 के एड्रेस पर सपोज क्या पड़ा है, जैसे ये 100 का एड्रेस है, इस पर पड़ा है 10, तो हम 10 को ऐड कर देंगे इस स्टार में, ठीक है। 10 को ऐड कर देंगे, सपोज प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू पड़ी है 200, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 10 को, रिजल्ट आ जाएगा 210, ठीक है। नेक्स्ट मोड इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इफेक्टिव एड्रेस को ऑब्टेन करते हैं कैसे, इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट में हम ऐड कर देते हैं एड्रेस फील्ड के कंटेंट को। इस बार हम इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट उठाते हैं, ठीक है, उसके कंटेंट में ऐड कर देते हैं एड्रेस फील्ड के कंटेंट को। इंडेक्स रजिस्टर मोड इज जनरली यूज फॉर एड्रेस मॉडिफिकेशन इन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में एड्रेस मॉडिफिकेशन करने के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल एड 100, x, तो एक्स क्या है, एक्स इज एड्रेस ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, दिस इज एड्रेस ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। तो एड्रेस इस इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट में हम ऐड करते देते हैं कंटेंट ऑफ 100 के एड्रेस पर जो भी हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, 100 एड्रेस पर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उस कंटेंट को हम एक्स वाले कंटेंट से, यानी इंडेक्स रजिस्टर के एड्रेस पर जो कंटेंट रखा हुआ है उससे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। नाउ वी कम ऑन लास्ट एड्रेसिंग मोड, दिस इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें इस बार हम बेस रजिस्टर के कंटेंट को उठाते हैं और उसमें एड्रेस फील्ड के कंटेंट को ऐड कर देते हैं। इन दिस इफेक्टिव एड्रेस कैन बी ऑब्टेंड थ्रू एडिशन ऑफ बेस रजिस्टर कंटेंट एंड एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस मोड इज यूज टू फैसिलिटेट द रीलोकेशन ऑफ प्रोग्राम्स इन मेमोरी। प्रोग्राम के अंदर कई बार रीलोकेशन होती है, जैसे हमारा प्रोग्राम और डेटा एक बार क्या होता है कि एक बार हमारा डेटा, जैसे ये 50 है, ये 100 है, यहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है, तो अगली बार व्हेन प्रोग्राम एंड डेटा आर मूव्ड फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ मेमोरी टू अनदर एज इन मल्टी प्रोग्राम, फिर अगली बार क्या होता है कि ये डेटा हमारा कई बार चेंज हो जाता है, जैसे ये डेटा जो यहाँ पे पड़ा हुआ था वो इस बार यहाँ आ जाता है, जैसे सपोज दिस इज 150 to 200, फिर अगली बार ये कंटेंट यहाँ आ जाएगा। तो व्हेन प्रोग्राम एंड डेटा आर मूव्ड फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ मेमोरी टू अनदर एज इन मल्टी प्रोग्राम, यानी ये क्या हुआ कि ये कंटेंट इस बार हमारा यहाँ आ गया, यानी रीलोकेट हो गया, ठीक है। तो रीलोकेशन के केस में
दिस मोड इज यूज टू फैसिलिटेट द रीलोकेशन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी. तो रीलोकेशन के केस में बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हमारी हेल्प देता है. ठीक है, तो जब भी रीलोकेशन की बात होती है तो एड्रेस वैल्यू मस्ट रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ पोजिशन. जो पोजिशन हमारी चेंज हुई है उसको एड्रेस वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम बेस रजिस्टर के कंटेंट ऐड कर देते हैं एड्रेस फील्ड के कंटेंट से. इट इज़ सिमिलर टू इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. तो जैसे हमने वहाँ पे एडिशन किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं, और रीलोकेशन के केस में ये रहता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ द एड्रेसिंग मोड. तो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है. बहुत बार इनको जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स पूछ लिए जाते हैं. तो ये टॉपिक आप जो है बहुत अच्छे से करके जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आ गया हो, तो लाइक शेयर जरूर करें. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.